डिजीज़ कंट्रोल, बीमारियों पर काबू पाना। देर आर थ्री वेज फॉर कंट्रोलिंग डिजीज़। नंबर वन, प्रिवेंटिव मेजर्स, एहतियाती तदाबीर। नंबर टू, वैक्सीनेशन, वैक्सीन्स करवाना। नंबर थ्री, जीन थेरापी एंड ड्रग ट्रीटमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी प्रिवेंटिव मेजर्स, एहतियाती तदाबीर। दिस इज़ बेस्ट वे फॉर कंट्रोलिंग डिजीज़। The advances in biological sciences have provided us information about the causative agents of disease and their mode of transmission. Biology में जिद्दत ने ये हमें बताया है कि किसी बीमारी के लिए ख़ास एजेंट्स कौन से हैं जो बीमारी की वजह बनते हैं और वो एक शख्स से दूसरे शख्स तक कैसे मुंतकिल होते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर एड्स, एक्वायर्ड अमीनो डेफिशेंसी सिंड्रोम, इज कास्ड बाई अ वायरस, एक वायरस से होता है, कॉल्ड HIV, ह्यूमन अमीनो डेफिशेंसी वायरस। And it is spread, और ये फैलता है through free sexual contact से, through blood transfusion, blood की मुंतकली से, by using contaminated syringes or surgical tools, या आलूदा कार syringes और surgery के आलात इस्तेमाल करने से। So avoid free sexual contact, screen your blood before blood transfusion, do not use contaminated syringes and contaminated surgical tools. Therefore, doctors advise us to take precautions on these fronts so that we do not contract with these diseases which are present-day incurable. Vaccination, that is making a person immune against specific disease by inoculating dead germs of that disease. इसमें एक बीमारी के डेड जर्म्स को इंट्रो करके उस बीमारी के खिलाफ जिस्म में मुदाफियत पैदा कर दी जाती है। So many diseases such as polio, whooping cough, काली खांसी, मीज़ल्स, खसरा, मम्प्स, गलफड़े, ETC कैन बी ईजिली कंट्रोल्ड बाई वैक्सीनेशन और शॉट्स। एडवर्ड जेनर फर्स्ट डिवेलप द टेक्निक ऑफ वैक्सीनेशन इन 1796। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले 1796 में वैक्सीनेशन की टेक्निक ईजाद की।